विचार। विचार एक शक्ति है। आज इंसान को फिर देखना है कि क्या मेरे भीतर कैसे विचार हैं, देखना है सबसे पहले विचार मेरे भीतर, पहले तो जानना है विचारों की शक्ति विचार हैं क्या। विचारों की शक्ति, विचार चार तरह के होते हैं, विनाशकारी विचार शैली, नकारात्मक विचार शैली, सकारात्मक विचार शैली, अद्भुत विचार शैली। इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। विनाशकारी विचार शैली एक ऐसा विचार जो केवल विध्वंस करना जानता है। हिटलर मन में विचार आया और अपनी विचारधारा उस समय के कुछ शक्तिशाली पढ़े लिखे समृद्ध लोगों को इस तरह से बताई समझाई, जिसका परिणाम निकला द्वितीय विश्व युद्ध, विनाश। अगर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं नया नया व्यक्ति, मैं नए शहर में जाता हूँ और कुछ तो मुझे वहाँ का मालूम नहीं, कुछ जानता भी नहीं और पहली बार गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो ज़रूर मेरी एक्सीडेंट तो होना ही होना है, मैं कुछ भी नहीं जानता और मेरा एक्सीडेंट होना ही है और हो सकता है मैं मर जाऊँ। मरेगा ही मरेगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। ये बात सदैव याद रखनी है हमको कि हम स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता हैं, हम स्वयं ही अपने जीवन की रचना करते हैं। एक और विचार, नकारात्मक विचार शैली, मैं अपने उद्देश्य पे नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं कर सकता, शायद कर पाऊँ शायद ना कर पाऊँ, 50-50, मैं ऐसा करता हूँ तो कोई मेरी बात समझता नहीं है, ऐसा सोचता हूँ तो वैसा हो जाता है। ऐसी सोच का व्यक्ति असफलता का ही सामना करता है, समस्याओं में उलझ सकता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मस्तिष्क को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका विचार सकारात्मक है या नकारात्मक है या विध्वंसकात्मक है, नाश करने वाला है। ये केवल उस चीज़ पे काम करता है, सामग्री पे काम करते हैं जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं अवचेतन मस्तिष्क को। हमारा अवचेतन मस्तिष्क डर के आवेशित विचार को भी उतनी ही तेज़ी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेज़ी से वो साहस के या आस्था के द्वारा प्रेरित विचारों को हकीकत में बदलेगा। उसका काम है बदलना, हकीकत में बदलना। अगर आप सोचते हैं आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं, अगर आप सोचते हैं आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है, अगर आप जीतना चाहते हैं परंतु सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते तो ये तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे, अगर आप सोचते हैं आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ही ऐसा है, अगर आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा तो आपको विश्वास करना होगा अपने विचार पर और तभी आप पुरस्कृत हो सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि देर से या जल्दी जीतता वही है जो सोचता है विचार करता है कि वह जीत सकता है। इम्पॉर्टेंट है विचार करना, कौन सी प्रतिभा कौन सी विचार शैली मेरे भीतर समाई है मुझे ये देखना है। तीसरा विचार, सकारात्मक विचार शैली, यद्यपि वो व्यक्ति पहली बार ही कोई कार्य कर रहा है, एक इस तरह की परिस्थिति है जिसको उसने कभी भी नहीं फेस किया सामना किया, लेकिन अपनी एक विचार शैली, क्योंकि उसका स्वभाव इस तरह का है, वो बोलेगा नहीं मैं तो ये कार्य अच्छे से करूँगा, सकुशल कर वापस भी आऊँगा, परीक्षा से पहले ही उसका विचार होगा मैं ज़रूर पास होऊंगा, 90% 100% मार्क्स ये तो मैं पाकर ही रहूँगा। कोई ध्यानी जिसने कभी भी ध्यान नहीं किया, प्रथम बार एक व्यक्ति ध्यान में बैठ रहा है, वो एक इस तरह की पॉजिटिव अप्रोच के संग बैठेगा, यद्यपि मैं पहली बार ध्यान कर रहा हूँ
लेकिन ये तो बिल्कुल निश्चित है कि मैं अपने मन पे विजय जरूर प्राप्त करूँगा, मेरा बिल्कुल भी विचार इधर उधर नहीं जाएगा और बहुत शीघ्र ही मेरी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी, मेरी तीसरी छठी इंद्रिय मेरी एक्टिव हो जाएगी। ऐसा होगा, परिणाम ऐसा होगा, क्योंकि वो इस तरह का विचार रख रहा है, इसका परिणाम ऐसा ही होगा। और जो अद्भुत विचार शैली होती है वो होती है महान पुरुषों की, जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी बड़े बड़े समाज में हमारे आविष्कार हुए हैं, उनकी अद्भुत विचार शैली थी। यद्यपि उनकी सोच में कभी भी उन्होंने इस तरह का अल्बर्ट एडिसन ने आविष्कार करने से पहले ना जाने कितनी ही बार फेल हुए, लेकिन एक उनकी ये कि मैं इसको पाकर ही रहूँगा, अपना जो मैंने एक कामयाबी को मैं हासिल कर ही रहूँगा। अद्भुत विचार है कि मैं 10,000 वर्ष तक जिंदा रह सकता हूँ, मैं अमर हूँ, अमरता शरीर के साथ, ऐसा संभव है। मैं अभी 5 मिनट में ये काम करता हूँ, हालांकि वो काम 1 घंटे का है, मैं अभी बस शुरू करता हूँ और अभी ख़त्म करता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अद्भुत विचार शैली, ये संभव है। हे मनुष्य, विचार ही तुम्हारी प्रतिनिधि है, जिस व्यक्ति के जैसे विचार हैं वो वैसा ही होता है। जैन धर्म की पुस्तक है गौतम गीता, उसमें श्री अमृतचंद मुनि ने लिखा है कि हे परम तत्व, विचार ही मनुष्य की प्रतिनिधि है, जिस व्यक्ति के जैसे विचार हैं वो वैसा ही होता है। जैसे विचार अपने भीतर उत्पन्न करोगे आप वैसे ही होते जाओगे। महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं ये संसार का रोग बहुत भयानक है, ये जन्म और मृत्यु, सृष्टि और परलय, परलय और सृष्टि, इससे बड़ा कोई दूसरा रोग नहीं है। औषध विज्ञान ने बहुत आविष्कार किए, बहुत रसायन बनाए, परंतु ये जो संसार नाम का भयानक रोग है इसकी औषधि क्या है? वशिष्ठ मुनि ने कहा केवल एक औषधि है, ये जो भवसागर नाम की रोग है जिससे पार पाना अति दुष्कर कार्य है, सबसे बड़ी इसकी औषधि है सुविचार, उत्तम विचार। मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, इसको विवेक से समझना। विवेक क्या? दूध का दूध, पानी का पानी, वास्तविकता को जान लेना, आत्म तत्व को अनात्म तत्व से पृथक करके देखना, जड़ पदार्थ और आत्म पदार्थ को एक दूसरे से अलग कर देखना, स्वयं का दीदार प्रत्येक वस्तु में करना, ये है विवेक। और ये होता है, ये संभव है केवल सुविचार से। आज जो ये समाज की व्यवस्था बिगड़ गई है, चारों तरफ खींचातानी, स्वार्थ सिद्धि, और चाहिए, मच वॉन्ट्स मोर, जितना देते हैं उतना और चाहिए, कितना ही बच्चों को दे दें उनके मन में एक संतुष्टि का विचार नहीं आता, कितनी ही उन्नति हम करते जा रहे हैं संतुष्टि नजर नहीं आती। बेसिकली शांति हमारा आधार है, नहीं पाते, कारण विचार। हम स्वयं को एक विचार देते हैं और चाहिए, हमें और चाहिए, अभी ये फैशन है, अभी इसका चाहिए, अभी और चाहिए। 4 बच्चे एक घर में, उसके पिता बहुत खाने पीने का सामान लेकर आए और झगड़ा शुरू हो गया, उसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला। और ऐसा हर घर में आजकल होता ही है, कभी खाने की चीज़ हो या खिलौने हो या प्रॉपर्टी हो, हर घर की एक ही कहानी कि उसके पास मुझसे ज़्यादा, मेरे पास उससे कम। अभी यही विचार हमें पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी तक लेकर जाता है। अब इस विचार को
हम बदल सकते हैं उसी वक्त। जैसे ही ये विचार आता है कि बच्चे लड़ रहे हैं खाने की चीज़ पे, माँ बोलती है, नहीं बच्चों, तुम सब भाई बहन हो, तुम मेरी ही संतान हो, अभी जितना सामान है वापस एक टोकरी में रखो और आपस में शेयर करके मिलके खाते हैं। वही घर, वही स्थान, वही बच्चे चुपचाप वापस सामान रखते हैं और अब आपस में मिलके खा रहे हैं। केवल एक विचार। उसी तरह वही दुनिया, वही सृष्टि, अगर हम केवल एक भावना अपने भीतर ले आएं, हम सब एक प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं। कुरान में नूर कहा तो क्या, वेदों ने प्रकाश कहा तो क्या, ज्योत कहा तो क्या, सत्य केवल एक है। हम सब एक परमपिता की संतान हैं। जितना हमारे पास है हम मिलके शेयर करके आपस में, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो भी सामग्री, अगर हमारे पास जो भी चीज़ है, उसको हम आपस में मिलके उसका उपभोग करेंगे। विचार ही तो है। कभी भी किसी ने किसी को ये तो नहीं कहा कि आप अपने खाने का हिस्सा ही दे दो जो अतिरिक्त है, आपके उपभोग के अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो आपके लिए नहीं है, सब छोड़ के जाएंगे यहीं पे, धरती का दहेज है, यहीं रह जाएगा। सिकंदर, पूरे विश्व को विजय करने की जिसके मन में चाह थी, जब लौट रहा था तो रास्ते में एक कोई संत थे, उनको बुलाया कि उनसे, उनको बुलवाइए, उनसे हमें मिलना है, बात करना है। संत नहीं आए, बुलवाने पे नहीं आए। सिकंदर खुद उनके पास गए और उनको बोला कि आप हमारे पास नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि आप एक बात बताओ सिकंदर, कि आप पूरे विश्व को विजय करने के लिए निकले तो आपने क्या सोचा। उसने कहा मैं सबको जीतूंगा, इतना धन, इतना देश, सब मेरे अंडर आ जाएंगे, मैं सबसे विजयी कहलाऊंगा, विश्व विजयी सिकंदर। उन्होंने बोला उसके बाद, उसने कहा मैं शांति से, आराम से बैठूंगा, शांति से बैठूंगा। संत हंस के बोले मुझे वो शांति अभी ही उपलब्ध है, मुझे कुछ भी नहीं करना, किसी को कोई विजय नहीं करना, वो शांति जो तुम ये सब पाकर हासिल करोगे वो मुझे अभी ही मिली हुई है, मैं शांत हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।